इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट, राइट? इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट हर्बर्ट स्पेंसर, राइट? तो हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. विल बी एबल टू कवर हर्बर्ट स्पेंसर इन दिस लेक्चर ओनली, राइट? आई विल ट्राई टू मेक इट एज ब्रीफ एंड एज कंसाइज एज पॉसिबल, ठीक है? नाउ हर्बर्ट स्पेंसर, ही वॉज अ ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट. नाउ अलॉन्ग विद कॉम्ट, सी देर इज अ ट्रिनिटी, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड इमाइल डोर्खाइम, दीज आर नोन एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी, राइट? नाउ सी ऑगस्ट कॉम्ट, वी नो ही डाइड इन 1850s, ठीक है? उनकी बायोग्राफी में हमने देखा था. वेयर एज हर्बर्ट स्पेंसर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क इन द 1850s, राइट? उनकी जो फर्स्ट बुक उन्होंने लिखी थी डीलिंग विद सोशोलॉजी, सी हर्बर्ट स्पेंसर रोट मैनी बुक्स डीलिंग विद वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक बायोलॉजी मैथमेटिक्स, बट पर्टेनिंग टू सोशोलॉजी हिज फर्स्ट बुक और हिज फर्स्ट वर्क वॉज सोशल स्टैटिक्स एंड ही पब्लिश्ड सोशल स्टैटिक्स इन 1851, राइट? नाउ जब इन्होंने सोशल स्टैटिक्स पब्लिश की तो कुछ जो ऐसे क्रिटिक्स थे उन्होंने वेरियस एलिगेशंस लगाई हर्बर्ट स्पेंसर के कि ही इज कॉपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द कॉम्टियन आइडियाज, राइट? जो कॉम्ट ने जो आइडियाज दिए हैं, बिकॉज हमने जब कॉम्ट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि कॉम्ट वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल स्टैटिक्स, और कॉम्ट का जो वर्क है, सी कॉम्ट डाइड इन 1850s, वेर एज हर्बर्ट स्पेंसर पब्लिश हिज फर्स्ट वर्क इन 1850s. सो कॉम्ट ने जो अपने वर्क थे कुछ काफ़ी इनसे पहले लिखे थे हर्बर्ट स्पेंसर से, राइट? ऑगस्ट कॉम्ट वॉज राइटिंग इन फ्रेंच, ही वॉज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, वेर इज हर्बर्ट स्पेंसर, ही वॉज राइटिंग इन इंग्लिश, ही वॉज अ ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, राइट? तो काफ़ी जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हर्बर्ट स्पेंसर इज कॉपिंग कॉम्टियन आइडियाज. इसको क्या है, रिफ्यूट किया हर्बर्ट स्पेंसर ने, और हर्बर्ट स्पेंसर विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्क्स ऑफ कॉम्ट, ठीक है? हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि आई नो अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट बट आई हैव नेवर रेड हिज वर्क्स, राइट? सो उन्होंने सबसे पहले तो ये अपने डिफेंस में एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि आई नो ऑगस्ट कॉम्ट, आई हैव हर्ड अबाउट हिम, बट आई हैव नॉट रेड हिज वर्क्स. बाकी इन हिज वर्क्स, स्पेशली द लेटर वर्क्स, सी उन्होंने और वर्क्स लिखे, तो उनकी जो दो अलग अलग बुक्स थी, वन ऑफ द बुक्स दैट ही पब्लिश वॉज इन 1862 द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, और उनकी जो थर्ड बुक थी द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, वो पब्लिश हुई थी 1873 में. स्पेशली इन लेटर वर्क्स ही विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, ही विल ट्राई टू सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द कॉम्टियन आइडियाज, राइट? ताकि ये जो क्रिटिसिज्म उन पे लेवल हो रहा है उसको वो क्या करते हैं, रिफ्यूट कर सकें, राइट? ही ट्राई टू शो दैट हिज वर्क्स आर यूनिक एंड आर नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द कॉम्टियन वर्क्स. और हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्ट में कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी और कुछ डिफरेंसेज रहेंगे, राइट? सो ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर इसी से ये प्रूव करना चाहते हैं कि सी देर इज आर सम डिफरेंसेज बिटवीन माई थॉट्स एंड कॉम्टियन थॉट्स, एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. वी आर पब्लिशिंग डिफरेंट वर्क्स, वी आर पब्लिशिंग डिफरेंट आइडियाज, देयर माइट बी सिमिलैरिटीज बिटवीन आवर आइडियाज, बट आई एम नॉट कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग और प्लेजराइजिंग कॉम्टियन वर्क्स. दीज आर माई ओन यूनिक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वर्क्स, राइट? ही विल ट्राई टू पुट इन अ लॉट ऑफ लेबर सो एज टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ. तो जब ये डिस्टिंग्विशन और डिस्टिंक्शन की बात आती है, तो हम देखेंगे कि कॉम्ट और स्पेंसर में क्या सिमिलैरिटीज थी और कॉम्ट और स्पेंसर में क्या डिफरेंसेस थे, राइट? दीज डिफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहीं से ही हर्बर्ट स्पेंसर ये एम्फसाइज करते हैं कि माई वर्क्स आर डिफरेंट, देर माइट बी सम काइंड ऑफ ओवरलैप्स, सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज, और ये वेरियस आपके जो ऑथर्स होते हैं ना, सोशोलॉजिस्ट हैं, उनके आइडियाज़ में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहती है, लाइक. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वन सोशोलॉजिस्ट इज कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग द आइडियाज ऑफ अनदर थिंकर, ठीक है? नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी सम ऑफ द सिमिलैरिटीज दैट वर देयर बिटवीन हर्बर्ट स्पेंसर एंड कॉम्टियन वर्क्स, राइट? सी सिमिलैरिटीज कुछ ये थी कि बोथ वी नो आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी, जिन्होंने फाउंडेशन और नींव रखी सोशोलॉजी की. सी दीज आर द इनिशियल सोशोलॉजिस्ट, कॉम्ट, स्पेंसर एंड डोर्खाइम, दिस ट्रिनिटी
along with George Gimbel also, they played a very important or key role to lay down the foundations of sociology or sociology ki neev rakhne ke liye, they played a very important role. Theek hai? So both are regarded as the founding fathers of sociology. This is similarity number one. Second similarity is both are positivist. Theek hai? Even Spencer also argued for adoption of method of natural sciences into the domain of sociology, right? So, like Comte, Spencer is also saying that sociology is a science. Sociology should be a scientific discipline, right? और इसी को positivism बोलते हैं, जब आप scientific method को sociology के domain में आप adopt करोगे, right? आप empiricism करोगे, experimentation करोगे, comparison करोगे, right? You will be focusing on value neutrality. So when you will be adopting these features or various methods of science or natural sciences into the domain of sociology, that is positivism. So he was also arguing the same. He was arguing that sociology should be a science. Sociology is a scientific discipline, right? And therefore, he is also a positivist, just like Comte. So this is the second similarity. Third, both Comte and Spencer are influenced by biology. Or specially, आपका जो Spencer है, specially Spencer, उनकी sociology बहुत ही ज़्यादा influence थी. आप compare करोगे Comte को और Spencer को, तो Spencer he was a biologist also, right? Spencer एक biologist पे, he was also mathematician और sociology में, उनकी sociology में biology का overwhelming dominance और overwhelming influence और overwhelming incorporation of biological concepts आपको इनकी sociology में देखने को मिलेगा, right? Same goes for Comte, पर यहाँ पे ज़्यादा influence मिलेगा Spencer के works में of biology. हमने organic analogy के बारे में पढ़ेंगे, right? Organic analogy, analogy मतलब कि आप एक concept को उठा के, राइट उससे जो सिमिलैरिटी है और उससे एक एनालॉगी लेके उसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हो दूसरे कंसेप्ट को समझाने के लिए, राइट ऑर्गेनिक एनालॉजी मतलब कि ये दोनों ही यही बात बोले कि जस्ट लाइक बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, इट हैज वेरियस ऑर्गन्स, राइट ऑर्गन से ही वर्ड आया ऑर्गेनिक एनालॉजी का, ऑर्गेनिक, राइट. सो जस्ट लाइक बायोलॉजी में जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, एंड दीज ऑर्गन्स आर वर्किंग इन सिंक, वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, और हर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी का पार्ट. हार्ट का कोई फंक्शन होगा, लंग का कोई फंक्शन होगा, ब्रेन का कोई फंक्शन होगा, किडनीज का कोई होगा, स्टमक का कोई होगा, राइट. सो एवरी ऑर्गन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉट ओनली दिस, सी उनका आइसोलेशन में फंक्शन नहीं है, ऑल दीज ऑर्गन्स आर वर्किंग इन सिंक विद ईच अदर, ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जैसे हार्ट है, हार्ट इज पंपिंग ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड टू ब्रेन, तो मैन कैन गो इन टू कोमा, राइट. सिमिलरली जो लंग्स हैं, दे आर intaking oxygen from the environment, and this oxygen via lungs is supplied to heart, and thereby through blood it is distributed to different parts of the body, right. So we can say how it is working in sync. Similarly, brain regulate karta hai puri body, uske functions ko, reflexes ko, movements ko, right. Hormones ke bare mein hum aap padhoge biology mein, right. So ye kya hai, control center ho gaya brain aapka puri body ka. तो सिमिलरली दे आर ऑल्सो सेइंग कि जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म, अ सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक एन ऑर्गेनिज्म. सोसाइटी में भी उसके वेरियस पार्ट्स, सब पार्ट्स, राइट, उसके वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस का हर एक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. दे आर प्लेइंग वेरियस फंक्शंस, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन सिंक, कोऑर्डिनेशन, इन हार्मनी, इन सिम्बायसिस विद ईच अदर फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली का फंक्शन होगा सोशलाइजेशन, अपब्रिंगिंग. रिलीजन का फंक्शन होगा मोरालिटी और रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट. स्टेट का फंक्शन होगा गवर्नेंस, रेगुलेशन, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. एजुकेशन का फंक्शन होगा प्रोविजन ऑफ नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, राइट. तो हर एक इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है सोसाइटी में, और इसी से सोसाइटी का मेंटेनेंस, ग्रोथ और सर्वाइवल पॉसिबल है. ठीक है,
ऑर्गेनिक एनालॉजी लेते हैं तो बहुत ऑल्सो टॉक अबाउट सोशल स्टैटिक्स. हमने सोशल स्टैटिक्स पढ़ा था, दिस इज द सेम कंसेप्ट. सोशल स्टैटिक्स मतलब ऑल द बॉडी पार्ट्स और ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर इन सिंक, राइट, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, इक्विलिब्रियम में है और इसी की वजह से क्या है, जो सोशल चेंज है वो इतना फास्ट नहीं होगा, वो सोशल चेंज अकोमोडेटिंग होगा. ठीक है, इतना हाइयर सोशल चेंज नहीं होगा कि एक पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर सोशल चेंज हो रहा है, एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो बाकी, क्योंकि सिंस एवरी ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड, राइट, तो ये सोशल चेंज स्पिल ओवर होगा बाकी हर एक पार्ट में. ठीक है, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज अगर इकोनॉमी चेंज होती है, राइट, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा, इकोनॉमी चेंज हुई तो हमने देखा था कि इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी चेंज हुई, टाइप ऑफ फैमिली चेंज हुई, जॉइंट फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली हुई, राइट, एजुकेशन चेंज हुई, एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन आ गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, करिकुलम चेंज हो गया, राइट, तो हर एक बॉडी पार्ट क्या है, इसको चेंज को अकोमोडेट करता है और ये रेसिप्रोसिटी होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, और जितना बॉडी हैंडल कर सकती है और जितना सोसाइटी सोशल चेंज हैंडल करती है उतना ही होता है. सो दे आर वर्चुअली इन इक्विलिब्रियम, दे आर वर्चुअली इन स्टैटिक्स, राइट, इतना लार्ज स्केल चेंज नहीं था, दे आर ऑलमोस्ट स्टैटिक, चेंज बहुत ही स्लो है. हमने पढ़ा था अगस्त कॉम्प्ट ही हेटेड रिवोल्यूशनरी चेंज, एंड हमने उसमें एक कोट भी पढ़ा था, अगस्त कॉम्प्ट सेड प्रोग्रेस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर, इसी ऑर्डर का डेवलपमेंट है प्रोग्रेस, दैट इज एन इवोल्यूशनरी सोशल चेंज. So they are also influenced by biology. Similarly, evolutionary theory of society and social change. Both gave evolutionary theory. हमने जब अगस्त कॉम्प्ट के बारे में पढ़ा था, we talked about that अगस्त कॉम्प्ट said कि social change कैसे हो रहा है society में. Society is undergoing change or evolution from religious stage to metaphysical stage to पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज. यहाँ पे भी क्या है, इवोल्यूशनरी थ्योरी देंगे आपके स्पेंसर. ये बोलेंगे societies are changing from simple society to compounded society to doubly compounded society to trebly compounded societies, right? Societies are changing from military society to industrial societies. Societies will be changing from simple homogeneous societies, uniform societies to complex heterogeneous or multiform societies. ठीक है, तो ये भी evolution की बात करते हैं. ठीक है, now क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि दोनों क्या है, जो इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हमने जब सोशल चेंज पढ़ा था कॉम्प्ट का, तो हमने देखा था कि उनकी सोशल चेंज के कुछ करेक्टरिस्टिक थे. अकॉर्डिंग टू कॉम्प्ट, सोशल चेंज इज लीनियर, इट इज टेकिंग प्लेस अलोंग अ सिंगल पाथ, राइट, हमने पढ़ा था लीनियर सोशल चेंज का क्या मतलब है. ऑल द सोसाइटीज, सिंगल पाथ इन द सेंस दिस इज सोशल चेंज इज टेकिंग प्लेस इन अ लीनियर मैनर, राइट, and various societies are at different points or at different points at different timelines, right? तो क्यों, कोई सोसाइटी ज़्यादा डेवलप्ड है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई कम डेवलप्ड है और कोई थोड़ा और कम डेवलप्ड है, लेकिन ऑल द सोसाइटीज आर मूविंग इन दिस लीनियर मैनर टूवर्ड वन कॉमन डेस्टिनेशन, वन सिंगल पॉइंट, राइट, दिस इज यूनिलीनियर सोशल चेंज. तो ये बोलते हैं कि कॉम्प्ट और स्पेंसर दोनों ही लीनियर, यूनिलीनियर और रेक्टिलीनियर सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं. प्रोग्रेसिव सोशल चेंज, बहुत बोलते हैं कि सोशल चेंज इज प्रोग्रेसिव, इट इज पॉजिटिव, राइट, सोशल चेंज में सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं ना कि डीजनरेट कर रही है, राइट. सिमिलरली बहुत से कि सोशल चेंज क्या है, इवोल्यूशनरी है, राइट, इट इज इवोल्यूशनरी इन द सेंस दैट सोशल चेंज इज नॉट लार्ज स्केल, सोशल चेंज इज स्लो, ग्रेजुअल एंड इवोल्यूशनरी. सिमिलरली इरिवर्सिबल, सोशल चेंज हो गया तो आप यू कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट, राइट, यू कैन नॉट अंडू दिस सोशल चेंज एंड गो बैक टू द पास्ट, राइट, इरिवर्सिबल सोशल चेंज. तो इससे क्या बोलते हैं कि बोथ आर मॉडर्निस्ट. ऑगस्ट कॉम्प्ट एज वेल एज हर्बर्ट स्पेंसर बोथ आर मॉडर्निस्ट, राइट, दे आर आर्ग्यूइंग फॉर मूवमेंट ऑफ सोसाइटी और इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन अ मोर मॉडर्निस्ट डायरेक्शन, राइट, सोसाइटीज का, मॉडर्न सोसाइटीज को और मॉडर्निटी को दोनों अप्रिशिएट करते हैं. और हमने जब देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, तो मॉडर्निटी और सोशल चेंज की जब बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सम वर मॉडर्निस्ट प्रो मॉडर्निटी, दे आर्ग्यूड की सोसाइटी का क्या है,
इवोल्यूशन होना चाहिए और मॉडर्निटी को अकोमोडेट करना चाहिए. वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्निटी. कुछ थे जो दे आर क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी एंड दे वॉन्टेड टू गो बैक टू द पास्ट, राइट. तो बोथ आर मॉडर्निस्ट एज वेल, ठीक है, बिकॉज दोनों एवोल्यूशन और प्रोग्रेस और सोशल चेंज की बात कर रहे हैं. नाउ कुछ डिफरेंसेस क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, हम एक लेंगे कि जो क्रिटिक दिया था कि सोशल स्टैटिक्स इन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी 1851 में, इसी के लिए उनको क्रिटिसाइज किया था कि ही इज कॉपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग कॉम्टियन आइडियाज. नाउ हिज फर्स्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर दैट ही हैज हर्ड ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट, राइट, क्योंकि उस टाइम पे ऑगस्ट कॉम्ट वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, वो फ्रेंच में लिखते थे और उस टाइम पे उनका जो वर्क है ट्रांसलेट नहीं हुआ था इंग्लिश में. हमने ये भी देखा था कि उनके बारे में लोग जानते थे, इंग्लैंड में भी जानते थे. जे एस मिल उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और जे एस मिल वॉज अ बिग एडमायरर ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट एंड ही वॉज वेल अप्रिशिएटेड इन इंग्लैंड स्पेशली, राइट. उनको जितना अप्रिसिएशन फ्रांस में नहीं मिला उससे ज़्यादा उनको इंग्लैंड में मिला. फ्रांस में उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. वी सो हाउ ही वॉज लिविंग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, ऑन द वर्ज ऑफ डेस्टिट्यूशन, बट इन इंग्लैंड ही वॉज अप्रिशिएटेड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट, राइट. ही हैड ग्रेट एडमायरर्स इन इंग्लैंड, राइट. लेकिन वो बोलते हैं कि आई हैव हर्ड ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट बट आई हैव नॉट रेड हिज वर्क. सो ही रिफ्यूटेड द क्रिटिक्स that my works are an exact reproduction or imitation of Comtean ideas. These are my own unique, independent, separate or self-made works. Especially in these two books, in his later works, Principles of Sociology and the Study of Sociology, Herbert Spencer will be trying to set himself apart from Comte. वो अपने और कॉम्ट के बीच में जो works हैं उनमें differences लाने की कोशिश करेंगे and he will try to justify that my works are not a reproduction of Comtean ideas, right? These are my own independent works. ठीक. Now see, Spencer को criticize किया जाता है and ये बोला जाता है कि Spencer unilinear social change की बात करते हैं और rectilinear social change. हमने देखा था कि social change is taking in a linear manner. ठीक है. So यहाँ से यहाँ social change progress हो रहा है और इसी पाथ पे ऑल द सोसाइटीज़ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. बट डिफरेंट सोसाइटीज़ आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज. सम आर मोर डेवलप्ड एंड सम आर लेस डेवलप्ड, बट ऑल द सोसाइटीज़ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन अ लीनियर वे एंड दे विल बी मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. दिस इज यूनिलीनियर और रेक्टिलीनियर सोशल चेंज. लेकिन बाद में जो उन्होंने वर्क्स पब्लिश किए हर्बर्ट स्पेंसर में, हम ये देखेंगे और क्रिटिक्स का जो क्रिटिसिज्म है काफ़ी हद तक अनजस्टिफाइड है, राइट. आप किसी भी कोचिंग के नोट्स भी उठाइएगा उसमें भी सेम क्रिटिसिज्म दिया हुआ कि उनका ये क्या है, प्रोग्रेसिव यूनिलीनियर सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, इररिवर्सिबल सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं. जबकि आप हर्बर्ट स्पेंसर में, स्पेशली इन एब्राहम एंड मॉर्गन जो सोशोलॉजिकल थॉट की बुक है, उसमें यह लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ स्पेंसर. In fact, in his later works, in these two works, Principles of Sociology and the Study of Sociology, Herbert Spencer said कि evolution के साथ साथ devolution और degeneration भी हो सकता है societies. Societies जरूरी नहीं है कि हर एक society evolve करे, कुछ society degenerate और decline और decay भी कर सकती हैं. ठीक है. So he is not saying that all the societies are moving in the progressive direction. First. Second is the reversibility. Critics argue that Herbert Spencer talk about that social change is irreversible. You cannot go back to the past. You cannot undo the social change. But here, Spencer said कि society का evolution भी हो सकता है लेकिन उसका decay भी हो सकता है, right? Degeneration भी हो सकता है society का. Society end भी हो सकती है कुछ societies, right? Decline phase में terminate भी हो जाती हैं societies. Ending of civilization हमने पढ़ा. हिस्ट्री में हमने देखा था कि काफ़ी ऐसी जो सभ्यताएं थी जो डिके और डी जनरेट और डिक्लाइन और एंड कर गई थी. तो सिमिलरली ऐसा पॉसिबल है. तो इररिवर्सिबिलिटी सोशल चेंज इज नॉट, यू कैन नॉट से द सोशल चेंज इज इररिवर्सिबल. सोशल चेंज कुड बी रिवर्स्ड एंड प्रोग्रेशन के साथ साथ क्या हो सकता है आपका, प्रोग्रेशन के साथ साथ ही सेड कि रिग्रेशन भी पॉसिबल है, राइट. So some naive critics argue, but
एब्राहम एंड मॉर्गन जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ फेयर क्रिटिसिज्म, जो ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑगस्ट कॉम्ट, ऑल्दो बोथ आर यूजिंग द सेम मीन्स, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम टूल्स, दैट इज बोथ आर अडॉप्टिंग फॉर द मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेज इन द डोमेन ऑफ सोशोलॉजी, राइट। मेथड सेम है लेकिन उनका जो रिजल्ट है, राइट, उनके जो मीन्स सेम है लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, सोशोलॉजी का क्या पर्पज है, वो बहुत डिफरेंट है। कॉम्ट हमने देखा था कि कॉम्ट ने क्या बोला था, सी कॉम्ट सेड दैट द पर्पज ऑफ सोशोलॉजी इज टू अनडू और एलिमिनेट वेरियस इल्स ऑफ द सोसाइटी लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रैम्पेंट इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट, प्रमोट, और इसका एम क्या है, सोशोलॉजी, प्रमोट प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी, राइट, इल्स को हटाना, डिजीज, सोसाइटल डिजीज को हटाना और सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना, दिस इज द एम ऑफ सोशोलॉजी। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि ये जो इंटरवीनिंग अप्रोच है सोशोलॉजी का, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। वेयर एज कॉम्ट आर्ग्यूड द सोशोलॉजिस्ट शुड इंटरवीन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट। हमने दो तीन बार इसके बारे में पढ़ा था, ऑगस्ट कॉम्ट में भी पढ़ा था और पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा था कि व्हाई, व्हाट वाज द पर्पस और रीजन व्हाई ऑगस्ट कॉम्ट प्रोपाउंडेड पॉजिटिविज्म, तो वही ये था कि वो बहुत ही हताश थे, जो मॉरल डिजनरेशन हुआ था फ्रांस का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी फ्रांस में, वेरियस काइंड ऑफ सोशल इल्स थे, रैम्पेंट इंडिविजुअलिज्म था, कलेक्टिव यूनिटी नहीं थी, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा था, राइट, सेल्फिशनेस काफ़ी आ गई थी, और ये बोल सकते हैं कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं था सोसाइटी का, मॉरेलिटी, कलेक्टिव मॉरेलिटी, कलेक्टिव यूनिटी, कलेक्टिव सॉलिडेरिटी नहीं थी, और इस जंक्शन पे जाके ही वॉन्टेड टू एन इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच कि सोशोलॉजी शुड इंटरवीन टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टू अनडू दीज सोशल इविल्स, एंड सोशोलॉजी सिंस इट इज अ साइंस, थ्रू यूजिंग द वेरियस लॉज दैट आर बींग डिवाइज इन सोशोलॉजी वी कुड हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन अ साइंटिफिक मैनर, और हम क्या है प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसिस फेयर अप्रोच क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सोशोलॉजिस्ट का पर्पज़ ही ये है कि टू जस्टिफाई कि जो स्टेट है उसको इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए सोसाइटल इवोल्यूशन। वो बोलते हैं कि नेचर जो है इज मोर इंटेलिजेंट देन मैन, नेचर हैज सेट नॉट ओनली ऑर्गेनिजम्स, राइट, आप इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि नॉट ओनली इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज बट इवन सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाई नेचर, और नेचर इज मोर इंटेलिजेंट देन मैन, जस्ट लाइक मैन हैज इमर्ज्ड फ्रॉम मंकीज एज पर द लॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सिमिलरली सोसाइटीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग। तो ये जो इवोल्यूशन है, माय पर्पस ऑफ सोशियोलॉजी इज टू से कि दिस इवोल्यूशन शुड टेक प्लेस एज पर द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, राइट, जो नेचर, नेचुरल सिलेक्शन जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इन्होंने बोला कि स्टेट को इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए, जैसे सोसाइटी अनफोल्ड कर रही है अपने तरीके से इवॉल्व कर रही है एज पर नेचुरल लॉज, वही होना चाहिए, सोसाइटी को ऑटोनमस होना चाहिए, राइट। तो इन्होंने बोला कि स्टेट शुड नॉट इंटरवीन, और इसी को लाइसेंस फेयर अप्रोच बोलते हैं। इसका क्या पर्पज रहेगा यहाँ पे वो भी देखेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोनों का क्या है, पर्पज ऑफ सोशोलॉजी दोनों का डिफरेंट है, और इवन वी कुड से द पर्पज इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद ईच अदर, दोनों का एक कंट्रास्टिंग पर्पज है, राइट। सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉम्ट एंड स्पेंसर। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कोर वर्क्स ऑफ स्पेंसर। सी नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थियरी ऑफ इवोल्यूशन दैट वॉज प्रपाउंडेड बाई हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन में जो स्पेंसर है उनका कोर और बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था, सी ही सेइंग कि द इवोल्यूशन इज अ नेचुरल लॉ, इट इज अ कॉस्मिक लॉ, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, दैट इज, इट इज द लॉ ऑफ द कॉस्मोस और द यूनिवर्स, जस्ट लाइक ऑल द नेचुरल लॉज इट विल बी एप्लीकेबल और इट विल बी फॉलोड और मैनिफेस्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स डोमेन्स, राइट। सो दिस इवोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी यूनिवर्सल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, राइट, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर, राइट, ऑल द बॉडीज विल बी म्यूचुअली अट्रैक्टेड टू ईच अदर और उनके बीच में ये सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। सो इट इज़ लाइक अ नेचुरल कॉस्मिक और यूनिवर्सल लॉ। तो ये बोलते हैं इवोल्यूशन भी एक इस टाइप का लॉ है।
और ये जो इवोल्यूशन का लॉ है ये आपको वेरियस फैसेट्स वेरियस डोमेन्स में देखने को मिलेगा, राइट। इवोल्यूशन को वो बोलते हैं कि इट इसको ये मैनिफेस्ट होता है टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन और जियोलॉजिकल इवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्लाइमेटिक इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल और स्पीसीज इवोल्यूशन, सोसाइटल इवोल्यूशन, वेरियस आपका जो है डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाता है और ये मैनिफेस्ट और एक्चुअली फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, वो बोलते हैं वेरियस लैंडस्केप और लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ आर सब्जेक्टेड टू इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, माउंटेन्स आर स्टिल इवॉल्विंग, माउंटेन्स भी एक प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, राइट। हिमालयस जो आज आपको दिख रहा है वो जो लैंडस्केप जनरेट हुआ है, इट इज़ बीइंग जनरेटेड, और ये जो लैंडफॉर्म है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ सर्टेन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो कोलिजन हो रहा है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो ये क्या है, बीच में से ऐसे क्या है, अपलिफ्ट हो जाती है, और इसी की वजह से जो हिमालयाज हैं इनकी बाउंड्रीज पे मिलते हैं, और ये जो कोलिजन अभी भी हो रही है और हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, जियोलॉजिकल और टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन, अर्थ ने जो अभी शेप एक्वायर की हुई है, राइट, वो जो लैंड फॉर्म है और उसकी अर्थ की शेप है, इट इज बीइंग एक्वायर्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अर्थ की हमेशा से ही ऐसी शेप नहीं थी, राइट। अर्थ जो प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ और प्लैनेट ने एक डेफिनेट शेप फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट फॉर्म एक जो है प्लैनेट ने एक्वायर की, अर्थ की भी एक इवोल्यूशन हो रही है, क्लाइमेट की भी इवोल्यूशन हुई है, राइट। अर्थ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर हमेशा से ही ऐसा नहीं था, वो एक उसका एक मेटामॉर्फोसिस हुआ, उसमें एक चेंज हुआ है, और एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद क्या है, अर्थ एक करंट स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक प्रोसेस और क्लाइमेटिक स्टेट में पहुंची है, एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट इज स्पेंड अक्रॉस मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसके बाद ये क्या है, अर्थ ने ये क्या है, क्लाइमेट एक्वायर किया, और अर्थ का क्लाइमेट अभी भी चेंज हो रहा है, इट इज स्टिल सब्जेक्टेड टू इवोल्यूशन, और अभी क्या है, मैन क्या की इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन की वजह से इट इज बीइंग स्पीडेड अप, राइट। सिमिलरली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्मिक इवोल्यूशन और बायोलॉजी का भी इवोल्यूशन हुआ है, और यहाँ पे हमने जब देखा था जो स्पेंसर का फर्स्ट वर्क था सोशल स्टैटिक्स, इट वॉज पब्लिश इन 1851, जो उसके जो दो लेटर वर्क्स थे दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी और स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, एक पब्लिश हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी 1862 में और स्टडी ऑफ सोशोलॉजी 1873 में, लेकिन उससे पहले 1859 में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी और प्रोमिनेंट और मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क, राइट, पब्लिश किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, और उन्होंने जो बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये जो हुई थी 1859 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, राइट। इसका जो पूरा कंसेप्शन था लाइफ का और उसका कैसे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे, उसको कैसे जस्टिफाई करना चाहिए, जो बाइबल का था उसका रिलीजियस एक्सप्लेनेशन था, राइट, एडम ईव और उन सबके डिसेंडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या, हमने देखा कि डार्विन ने जब वो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट ले गए, जब उन्होंने फैक्ट्स रखे, राइट, उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी, तो उन्होंने क्या है, उसकी वजह से जो पूरे चर्च की जो फाउंडेशन थी, जिसकी वजह से चर्च जो बाइबल के बेसिस पे जस्टिफिकेशन और बाइबल की इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे जस्टिफिकेशन दे रहा था, इट वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। तो डार्विन का जो वर्क था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हद तक क्या है, स्पेंसर के वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया, डार्विनियन इन्फ्लुएंस जो लेटर वर्क्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में देखने को मिलते हैं, राइट, 1859 के बाद जो उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे। तो डार्विन का भी यही हुआ है कि इवोल्यूशन हुआ है, राइट, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है और स्पीसीज इवोल्व करके करंट स्टेट में पहुंची है। तो डार्विन भी यही बोलते हैं कि स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ और मैन भी करंट स्टेट में क्या है, उसका इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द देवर इनिशियली एप्स और प्राइमेट्स, तो उनका भी इवोल्यूशन हुआ है। तो इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था डार्विन का, कि ऑल द लाइफ फॉर्म्स हैव इमर्ज्ड और इवॉल्व्ड और प्रोग्रेस्ड, और दिस चेंज, ये जो चेंज हुआ है इट इज एक सिंपल स्टेट से कॉम्प्लेक्स स्टेट की तरफ इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। सो वेरियस लाइफ फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल स्टेट टू कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो इनिशियल थियरी ही चार्ल्स डार्विन की ये थी, उन्होंने जो हाइपोथेसिस रखा था कि एक यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर था, ऑल द लाइफ फॉर्म्स हैव इमर्ज्ड अल्टीमेटली फ्रॉम वाटर, अमीबा जो था वहां से ही सारी लाइफ फॉर्म्स का इमर्जेंस हुआ है, राइट। तो इनिशियली एक सिंगल सेल ही था और उससे क्या है आज वेरियस
कितनी ज़्यादा आपको स्पीसी रिचनेस देखने को लगती है, मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, लार्ज मासेज हैं, लेकिन वो एक सिंपल सिंगल सेल से, एक सिंपल स्टेट से कॉम्प्लेक्स स्टेट की तरफ क्या है, इवोल्यूशन हुआ, राइट? तो अगर आप पढ़ते हो क्लाइमेटिक इवोल्यूशन में भी, प्राइमरी सक्सेशन आपने पढ़ा होगा, तो इनिशियली पायनियर स्पीसीज आती है, लिचन्स, राइट? दे आर पायनियर स्पीसीज, दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट और मेक इट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ अदर स्पीसीज. और यहाँ से क्या है, वो जो इकोसिस्टम है उसकी स्पीसी रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती रहती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है धीरे धीरे करके, और वो एक इवोल्यूशन के बाद एक क्लाइमैक्स वाली स्टेट पे पहुँचता है, राइट? अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा हो, दिस इज द बेसिक थियरी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन. तो इवोल्यूशन क्या है, लाइफ फॉर्म्स में, वेरियस लाइफ फॉर्म्स में देखने को मिलेगा. तो ना कि माउंटेन्स, ट्रीज, एंट्स, इसके साथ साथ इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, वेरियस स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड, राइट, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, थ्रू अ स्लो एंड ग्रेजुअली, थ्रू अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज और ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो बोलते हैं जब ये हर जगह एप्लीकेबल है, स्पेंसर बोलते हैं, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इट इज ऑल्सो शुड बी अप्लाइड टू द सोसाइटी, सोसाइटीज का भी इवोल्यूशन हो रहा है. ये जो कॉस्मिक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये इवोल्यूशनरी लॉ है, ये सोसाइटीज पे भी लागू होता है और सोसाइटीज भी ऐसे ही इवॉल्व हो रही है. इनिशियली वो बोलते हैं, इनिशियली द सोसाइटीज आर सिंपल, इनिशियली सोसाइटीज क्या थी, सिंपल थी, राइट? दीज वर स्मॉल स्केल, दीज वर यूनिफॉर्म सोसाइटीज, दीज वर होमोजीनियस सोसाइटीज, राइट? इन दो टर्म्स का मतलब देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे बाद में. इनिशियली जो सोसाइटीज थी वो सिंपल सोसाइटीज थी, सिंपल स्केल, आपकी स्मॉल स्केल सोसाइटीज थी, दे आर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म सोसाइटीज. जब इन सोसाइटीज की बात करते हैं तो आप रेफर कर सकते हो, जब सोसाइटीज अपने इवोल्यूशनरी फेस के में क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में होंगी, राइट, बिगिनिंग में होंगी, जो अपने नेसेंट फेस ऑफ इवोल्यूशन में होंगी, जो स्मॉल स्केल सिंपल ट्राइबल सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल दीज आर होमोजेनस सोसाइटीज. दीज सोसाइटीज आर होमोजेनस और यूनिफॉर्म इन द सेंस दैट दे आर करेक्टराइज्ड बाय अलाइकनेस एंड सिमिलैरिटीज, राइट? इन सोसाइटीज में क्या है, सिमिलैरिटीज और अलाइकनेस होंगी, डिफरेंसेज नहीं होंगे. दैट इज वाई दे आर होमोजेनस, दैट इज वाई दे आर सिंपल एंड यूनिफॉर्म. तो अलाइकनेस उनकी कहाँ दिखेंगी, सी दे ऑल विल बी वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ ड्रेस, दे विल बी ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड, दे विल बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, दे विल बी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स, राइट? दे हैव सिमिलर बिलीफ्स, इमोशंस, थिंकिंग एंड सेंटिमेंट्स. तो ये जो है उनके वेरियस डोमेन्स ऑफ लाइफ में आपको क्या है, अलाइकनेस देखने को मिलेगी. जो इंडिविजुअल है उनके बीच में डिफरेंसेज नहीं होंगे, राइट? कलेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, सुपरसीड करेगी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आए नहीं, इंडिविजुअल को, क्योंकि इंडिविजुअलिटी तभी आएगी जब एक इंडिविजुअल को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दूसरे इंडिविजुअल से, राइट? लेकिन व्हेन एवरीवन इज सेम, देर इज अलाइकनेस, देर इज सिमिलैरिटीज ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज, कल्चर, थिंकिंग, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, टेक्नोलॉजी और स्किल्स, तो क्या है, डिफरेंसेज नहीं होंगे और यहाँ पे लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होगा. सिंपल ट्राइबल सोसाइटी में देख लियो, आप देखेंगे तो सभी लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम काइंड ऑफ फूड ईट करते हैं, प्लस सिमिलर स्किल्स होते हैं उनके पास, बेसिक सिंपल स्किल्स होती हैं, राइट? एवरीवन नोज हाउ टू हंट, एवरीवन नोज हाउ टू गैदर फूड, हाउ टू गैदर टिम्बर, राइट? एवरीवन नोज द बेसिक एग्रीकल्चरल स्किल्स. तो वहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होगी, और ऑल द फैसेट्स ऑफ द सोसाइटी विल टेंड टू मर्ज. जब हम सोसाइटी की डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, उनका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, राइट? तो एक इंस्टीट्यूशन मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जांपल फैमिली, यहाँ पे फैमिली क्या करेगी, बच्चों की सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग करेगी, प्लस फैमिली इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फैमिली फूड प्रोड्यूस करेगी, हंट करेगी, गैदर करेगी फूड को, राइट? एग्रीकल्चर लेबर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैमिली, प्लस फैमिली ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को ये बेसिक टेक्निकल स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन भी पास ऑन करेगी, राइट? एजुकेशन प्रोवाइड करेगी. तो फैमिली एक सिंपल इंस्टीट्यूशन इज परफॉर्मिंग मल्टीफेरियस फंक्शंस, राइट? सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी आर टेंडिंग टू मर्ज.
तो जब फैमिली ही पब्लिक लाइफ में भी है और प्राइवेट लाइफ में भी है, तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मर्ज करते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल स्मॉल स्केल ट्राइबल सोसाइटीज़ के रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। सिंपल, दीज आर सिंपल सोसाइटीज़, दीज आर स्मॉल स्केल जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन होते हैं, दीज आर यूनिफॉर्म और होमोजेनस सोसाइटीज़। वो बोलते हैं जैसी सोसाइटीज़ का इवोल्यूशन है, दीज सोसाइटीज़ ग्रो इंटू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, दे ग्रो इंटू लार्ज स्केल सोसाइटीज़, दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड और दे बिकम मोर हेट्रोजीनस। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, दीज आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, राइट। जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो क्या होगा, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को भी आप लोगे उसमें डिफरेंशिएशन कितना ज़्यादा है। फूड हर एक का अलग है, नॉर्थ इंडियन फूड अलग है, उसमें वेरियस वैराइटीज़ है, राजस्थानी अलग है, गुजराती अलग होगा, राइट, पंजाबी फूड अलग होगा। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न फूड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, साउथ इंडियन फूड इज़ डिफरेंट, सेंट्रल इंडियन फूड इज़ डिफरेंट। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और डिफरेंसेज हैं, राइट, फूड में। तो आप कंपेयर कर सकते हो होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी कैसे हो रहा है। प्लस ये स्मॉल स्केल थी, दीज आर लार्ज स्केल सोसाइटीज़। इंडिया पॉपुलेशन, लार्ज स्केल सोसाइटीज़ कितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है, राइट, कितनी डाइवर्स आइडेंटिटीज़ होती हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस होती हैं, डाइवर्स रिलीजन्स होते हैं, तो यहाँ पे हेट्रोजेनिटी और डिफरेंसेस काफ़ी आएंगे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो वी सी इट फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, सी होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी और डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसकी बात जो है स्पेंसर, ही इज टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, दैट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यहाँ से क्या है, कहीं ना कहीं रूट देखने को मिलता है जहाँ से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को प्रपोज किया गया था। वो बोलते हैं कि ये सोसाइटीज क्या है, डिफरेंशिएट हो जाती है। एक सिंपल एनालॉजी मैं आपको दूंगा कि जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, उसकी लाइफ को आप अक्रॉस वेरियस एजेस एनालाइज करोगे, तो इनिशियली क्या था, ड्यूरिंग द बर्थ स्टेज ह्यूमन क्या था, इट इज़ इन अ सिंपल फीटस। जो फीटस होता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, इट इज़ लाइक अ स्मॉल लंप, राइट, वहाँ पे क्या छोटा मास होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं हुआ होगा, राइट, ब्रेन क्या है, लंग क्या है, हार्ट क्या है, पैर कैसे हैं, लेग्स कैसे, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फीटस धीरे 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 करके मास एक्वायर करेगा, ग्रो करेगा, लार्ज करेगा, तो इसीलिए स्मॉल से लार्ज। तो जैसे ही वो मास एक्वायर करेगा, फीटस धीरे धीरे करके क्या है, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेरियस ऑर्गन्स अलग अलग डेवलप करने स्टार्ट हो जाएंगे, और दीज ऑर्गन्स विल कंटिन्यू डेवलपिंग। आप एक मैच्योर अडल्ट और फीटस को कंपेयर करोगे, मैच्योर अडल्ट के हर एक जो ऑर्गन है वो अपनी मैच्योर स्टेट में होगा, राइट, कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, हार्ट डेवलप हो जाएगा, ब्रेन डेवलप हो जाएगा, लेग्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे। तो यही ये बात कर रहे हैं कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है और उसका धीरे धीरे करके क्या है, मैच्योरिटी, उसका मास बढ़ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो सिमिलरली सोसाइटीज़ का भी ऐसे ही इवोल्यूशन हो, दे आर बिकमिंग मोर हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे सोसाइटीज़ के, और दीज स्ट्रक्चर्स दे विल बी प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। फैमिली का स्ट्रक्चर है क्या है, अब यहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर क्या करेगा, सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग करेगा, राइट। एजुकेशन क्या करेगा, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, नॉलेज, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। रिलीजन विल बी फोकसिंग ऑन मोरालिटी, कोड ऑफ कंडक्ट, बिलीव्स, राइट, वैल्यूज। हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स क्या है, ये हेल्थ के बारे में देखेंगे। तो जब यहाँ पे जब एक इंस्टीट्यूशन और एक जो सब पार्ट है सोसाइटी का वो मल्टीफेरियस और मल्टीपर्पज था, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पेशलाइजेशन होगा, राइट। तो सोसाइटी डिफरेंशिएट कर गई है डिफरेंट सब पार्ट्स में, और हर एक सब पार्ट का क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट। S1, F1, Structure 1, Function 1, Structure 2, Function 2, Structure 3, Function 3। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज सोशल स्ट्रक्चर। नाउ हाउ दीज आर डिफरेंट, राइट, एंड हाउ दीज आर सेम, दीज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंसिस बिटवीन दैम इन द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, राइट।
तो यहां से जब आप यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देख देखिए, सी इनडेफिनेट से आप डेफिनेट की तरफ जा रहे हो यहां पे, राइट, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ जा रहे हो। इसका क्या मतलब है, सी सोसाइटी इनिशियली इनडेफिनेट थी, जस्ट लाइक फिटस, उसमें डेफिनेटनेस नहीं आई है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो नहीं किए हैं, राइट, वो मर्ज कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे में, एक स्मॉल लंप है, राइट, एक स्मॉल लंप है फीटस, उसमें और ब्रेन कौन सा है, हर्ट कौन सा है, ये पता ही नहीं चल रहा, राइट, और धीरे धीरे करके जैसे फीटस ग्रो करेगा और अडल्ट, जब आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन होकर अडल्ट होगा, जब सारे ऑर्गन्स मेच्योर कर जाएंगे तो हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होगा, एक काइंड ऑफ डेफिनेटनेस आ जाएगी, एक लंप से एक वो कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या है गेन कर लेगा, राइट, तो उसमें डेफिनेटनेस आ जाएगी। तो इनिशियली दी सोसाइटीज आर इनडेफिनेट, दी सोसाइटीज आर डेफिनेट, राइट, प्लस दीज आर इनकोहरेंट। यहां पे क्या होगा, डिफरेंट स्मॉल स्केल सोसाइटीज होंगी, राइट, दीज आर स्मॉल स्मॉल स्केल सोसाइटीज, ये कुछ अलग इसकी अलाइकनेस होगी, ये कुछ अलग होगी, ये कुछ अलग होगी, ये कुछ अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग, तो यहां पे कोहरेंस नहीं है, राइट, लेकिन जब ये सारी की सारी सोसाइटीज ही मर्ज करेंगी और एक बड़ी सोसाइटी बनाएंगी, हम मिलिट्री कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट, एंड दी सोसाइटीज दी विल बी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी दे विल वर्किंग इन सिंक कोऑर्डिनेशन, तो यहां पे कोहरेंस आ जाएगी, राइट, सो कोहरेंस और इंटीग्रेशन होगा यहां पे, जैसे जैसे डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स में अनफोल्ड होगी, इवॉल्व करेगी, सोसाइटी मैच्योर होगी डिफरेंट पार्ट्स में, तो इन पार्ट्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है अलग अलग पार्ट्स का, उसके साथ साथ क्या है, उतना ही इंटीग्रेशन होना चाहिए। दीज पार्ट्स और वेरियस सब पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज और वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी, दे शुड बी वर्किंग इन सिंक इन कोऑर्डिनेशन, दे शुड नॉट बी वर्किंग एट क्रॉस पर्पजेज, राइट, और इन कॉन्ट्राडिक्शंस विद ईच अदर, तभी सोसाइटी का क्या है सर्वाइवल होगा। जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म, अगर हार्ट और ब्रेन का कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन होगा तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा उतना ही ज्यादा उनका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, तो उतनी उसमें कोहरेंस भी आनी चाहिए, राइट, सो दैट इज वाई सिंपल स्मॉल स्केल यूनिफॉर्म होमोजीनियस इनडेफिनेट इनकोहरेंट सोसाइटी से वी आर मूविंग टुवर्ड कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस लार्ज स्केल डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटेड कोहरेंट एंड डेफिनेट सोसाइटीज, राइट। तो जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सी, तो स्पेशलाइजेशन तो हो रहा है, जब फैमिली है, फैमिली इनिशियली वेरियस ऑलमोस्ट ज्यादातर यहाँ पे क्या हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है सिंपल सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे फैमिली का एक कोर जो फंक्शन होगा, राइट, फैमिली का जो परफॉर्म, इट विल परफॉर्म इट्स कोर फंक्शन, दैट इज नर्चर सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। सिमिलरली एजुकेशन के लिए, राइट, उनको एक स्पेशल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और वेरियस अदर काइंड्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक डिफरेंट सब पार्ट और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, तो वो क्या होगा, एजुकेशन। तो यहां पे क्या है, आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, राइट, फैमिली अलग परफॉर्म कर रही है, एजुकेशन अलग रोल परफॉर्म कर रहा है, रिलीजन अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ के लिए क्या है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स इमर्ज किए हैं, राइट, हेल्थ सिस्टम इमर्ज किया है। तो यहां से आप यहां जा रहे हो तो स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, सो यू आर मूविंग फ्रॉम जनरलाइजेशन, यहां पे जनरलाइजेशन होगा, राइट, जनरलाइजेशन दैट इज ऑल द, देर इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, जनरलाइजेशन मीन्स लैक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ऑल द फैसेट्स ऑफ सोसाइटी आर टेंडिंग टू मर्ज, जबकि यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और स्पेशलाइजेशन होगा, राइट, तो यहां पे क्या है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल था, फैमिली ही सारी चीजें कर रही थी, राइट, और प्लस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा यहां पे, मेल कुछ और करेगा, फीमेल कुछ और करेगी, लेकिन यहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहां पे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, राइट, टीचर कुछ अलग करेगा एजुकेशन बैकग्राउंड में, प्रीस्ट कुछ अलग करेंगे रिलीजन में, हेल्थ में डॉक्टर्स कुछ अलग करेंगे, नर्सिस अलग को करेंगे, राइट, और हेल्थ में भी अब इसमें हर एक इंस्टीट्यूशन को भी आप डिवाइड कर सकते हो, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लर्क्स, राइट, तो यहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, तो नीच क्रिएट होगा यहां पे, तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगा और जितना डिफरेंशिएशन होगा उसको जोड़ने के लिए, उसको कोहरेंस बनाने के लिए उतना इंटीग्रेशन भी होगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी बढ़ेगा यहां पे, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा जैसे इवोल्यूशन होगा, और इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ेगी पार्ट्स की, राइट, ऑल दीज पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट,
तो यहाँ पे क्या पार्ट्स का क्या है, इंटरडिपेंडेंस हो जाए। तो फैमिली क्या है, सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग कर रही है, एजुकेशन उन्हीं पीपल्स को क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, रिलीजन उनको क्या एक मॉरलिटी स्ट्रक्चर दे रहा है, और हेल्थ उसके ऊपर क्या है। तो दीज आर वर्किंग इन सिंक विद ईच अदर, राइट दीज आर प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स फॉर मेच्योरेशन ऑफ सोसाइटीज, राइट, उन सोसाइटीज को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, राइट, एवरी इंस्टीट्यूशन विल बी परफॉर्मिंग इट्स प्योर फंक्शन, इट विल बी मोर प्योर, इट विल परफॉर्मिंग इट्स कोर फंक्शन ओनली, ठीक है। तो रिलीजन का जो काम है वही करना चाहिए उसको, रिलीजन को एजुकेशन और हेल्थ में नहीं जाना चाहिए, प्योरिफिकेशन भी होगा, राइट। सो ये सारी फीचर्स होंगी जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी सिस्टम की। नाउ इसी को ही इवोल्यूशन, ये जो हो रहा है फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज टू मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, होमोजेनियस टू हेट्रोजेनियस सोसाइटीज, इसी को ही थोड़ा सा और डेवलप करते हैं, और नाउ हम पढ़ेंगे उनका हाउ सोसाइटीज आर इवॉल्विंग फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंडेड, टू डबली कंपाउंडेड और टू ट्रेबली कंपाउंडेड सोसाइटीज। यहाँ पे स्पेंसर बोलते हैं वॉर क्या है, वॉर इज फंक्शनल, और मिलिट्री का काम क्या है, फंक्शन क्या, उसका क्या फंक्शन है, और वॉर का क्या पॉजिटिव रोल है, वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो इसी को फर्दर डेवलप करके हम ये वाली थ्योरी पढ़ते हैं। सी नाउ वी विल कंटिन्यू विद द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेंसर। सी स्पेंसर बोलते हैं कि सोसाइटी, व्हाई इज इट ग्रोइंग फ्रॉम अ सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स स्टेट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन वो देते हैं कि सोसाइटीज सिंपल से लार्ज में ग्रो करती हैं, और जैसी लार्ज होती है सोसाइटीज उतनी ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड होती जाती हैं। लेकिन सोसाइटीज लार्ज क्यों हो रही हैं, उनका मास और उनका मैटर क्यों बढ़ रहा है, राइट, लार्ज इन द सेंस कि मैटर और मास बढ़ रहा है। तो वो एक सिंपल क्या है, एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि वी ग्रो फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक टू सुपर ऑर्गेनिक, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक, सी वी आर ऑर्गेनिक, राइट, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर के बने हुए हैं, राइट। तो इंसान और कोई भी स्पीसीज ग्रो क्यों होती है, राइट, वो मच्योर क्यों होती है, राइट, उसको क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। जब वो न्यूट्रिशन होगा, मिलेगा उसको, तभी उसकी ग्रोथ होगी। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ क्या होगी, स्टंट कर जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, माल न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये न्यूट्रिशन आता कहाँ है, कहाँ से है, सी हमारा जो ब्लड है, राइट, हमारी जो बोन्स हैं, और इसके साथ साथ जो भी हमारा मास है, ये आ कहाँ से रहा है, सी इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स, राइट। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को क्या है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वही होता है आपका न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बोन्स है, दे आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दिस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। सिमिलरली हम ऑर्गेनिक मास क्यों, हम ऑर्गेनिक मैटर के बने, हमारा मास क्यों गेन करते हैं, बिकॉज वी आर ईटिंग प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स इन द फूड वेब। तो प्लांट भी अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, राइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड को इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस इज ऑल इनऑर्गेनिक एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनिक थिंग। सो इनऑर्गेनिक इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक। सो दिस इज हाउ द मास इज ग्रोइंग एज वी आर डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। इनऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक ब्लड गेन मैटर फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। नाउ ही सेज फ्रॉम ऑर्गेनिक देर इज अ स्टेज ऑफ सुपर ऑर्गेनिक, राइट। अब सभी इंडिविजुअल्स को आप मिला दोगे, राइट, सो यू विल गेट सोसाइटी। ही सेज सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ सिग्मा ऑफ ऑर्गेनिक, इट इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिक बॉडीज, राइट। वो बोलते हैं उनको सुपर ऑर्गेनिक, राइट, सुपर ऑर्गेनिक, बिकॉज ही सेज सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ मेयर एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज मोर देन दैट, राइट। सोसाइटी एक्वायर्स अ फॉर्म ऑफ इट्स ओन। ही गिव्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाउस। ना हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, इट इज मेड ऑफ स्टील, इट इज मेड ऑफ पाइप, राइट, इट इज मेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ अदर मैटर। नाउ ऑल दिस मैटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट।
नो कैन वी से हाउस इज अ मेयर कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स मोर्टार और सीमेंट स्टील सीमेंट पाइप नो राइट इट इज मोर देन दैट इट इज अ इट्स ओन एंटिटी इट हैज अ फॉर्म ऑफ इट्स ओन राइट हाउ यू आर अरेंजिंग द ब्रिक्स how these all the steel and cement is interconnected steel cement and bricks are interconnected right how these are arranged how this is structured and after this you get a house so it is a different entity so the structuring interdependence arrangement is very important so that is how after that we get society right Now one thing we understood until and unless the society will gain mass or it will gain matter it is not going to evolve from a simple to a complex state but how does it happen see evolution of society the main factor is mass or matter will is should be increased to mass ko kaise increase karenge right population growth society ki jaisi population growth hogi jaise uske number of individuals badhenge That is, it will gain more mass, right? More number of individuals, more mass, more matter. Now, population is going to increase by two factors. One is the natural growth of population, that is dependent on birth and death rate. But society ko grow karna hai, to wo bolte hain, society should be grown by military compounding through war. Iske baare mein hum padhenge. कि मिलिट्री कंपाउंडिंग के थ्रू जैसे वॉर के थ्रू क्या है हम डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ को क्या है एक सिंगल अम्ब्रेला पॉलिटिकल एंटिटी के अंडर मर्ज कर देते हैं राइट तो वहाँ से क्या है सोसाइटी एक स्मॉल सोसाइटी से क्या है अब क्या हो इट इज़ एन अमेलगेमेशन इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट डिस्परेट और डिफरेंट सोसाइटीज़ अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला अंडर वन पॉलिटिकल एंटिटीज एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू वॉर through conquest, through annexation, when you're bringing these different groups having different interests together under one single umbrella, that is you are engaging in compounding, right? A compound is what? Compound is made of different molecules. So you are aggregating the molecules to form a compound. So you are compounding and aggregating different societies, you are welding the different societies, different peoples under one single umbrella, under one political entity. And that is how war is very functional. War has a functional role to play. War through military conquest, through annexations, you are going to grow the society. And that is how evolution of the society is going to take place. Hum ye padhenge kaise hota military compounding se. See, population growth hogi, to usko support karne ke liye kya hai? Resources bhi badhne chahiye, right? To aapka kya hai? Extraction from nature bhi badhna chahiye. नेचर से आप एक्सट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब आपका डिवीजन ऑफ लेबर एफिशिएंट हो राइट डिवीजन ऑफ लेबर जितना फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर इन द सिंपल सोसाइटीज वाज वेरी सिंपल इन नेचर वेरी बेसिक इन नेचर इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यू हैव सो मेनी डाइवर्स ऑक्यूपेशन ग्रुप्स एंड दीज डाइवर्स ऑक्यूपेशन ग्रुप्स आर इंगेजिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर एंड दीज रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स So more the number of human beings, you need more complex division of labor in order to support the growing population, right? So your extraction from nature should increase. That is, your material density, overall your material density is increasing. The matter is increasing. Not only the organic matter, but also the matter that you are extracting from the nature for human consumption, that is also increasing, right? Simple si baat hai. सिंपल रूरल सोसाइटी देखेंगे उसका मटेरियल डेंसिटी बहुत कम होगी आप अब लार्ज अर्बन सोसाइटी देखेंगे राइट तो जब एक्सकवेशंस करते थे हिस्टोरियंस अगर सोसाइटी की कम ग्रोथ हुई होगी कम मटेरियल डेंसिटी होगी तो उसकी कम लेयर्स मिलेंगी अगर बहुत बड़ी सोसाइटी रही होगी बहुत उसकी बड़ी ग्रोथ हुई होगी तो उसकी लेयर्स उतनी मिलेगी उसमें उतने ही मटेरियल्स मिलेंगे राइट उतनी ही पॉटरी मिलेगी डिफरेंट टूल्स मिलेंगे ब्रिक्स मिलेंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेगी तो उसकी मटेरियल डेंसिटी ही उतनी ज़्यादा होगी राइट सो दिस इज हाउ मटीरियल डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज और इसको आप लिंक कर सकते हो डायनेमिक डेंसिटी के कंसेप्ट ऑफ डुर्खाइम से डुर्खाइम भी यही बात करते हैं लेकिन डुर्खाइम क्या है इसमें एक डायनेमिक पार्ट कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप पार्ट ऐड करते हैं वील बी डीलिंग विद दैट वाइल विल बी टॉकिंग अबाउट डुर्खाइम राइट सो दिस इज हाउ द सोसाइटीज आर ग्रोइंग राइट Their mass is increasing, their material density is increasing.
नाउ हाउ थ्रू वॉर और मिलिट्री कंपाउंडिंग यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मटेरियल डेंसिटीज एंड हाउ द इवोल्यूशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. सी वो बोलते हैं कि सी इनिशियली स्मॉल स्केल सोसाइटीज होंगी राइट, इनमें आपस में वॉर होंगी, मिलिट्री कंक्वेस्ट एक इमर्ज करेगा और ये जो बाकी जो सोसाइटीज को है उनको अपने अम्ब्रेला के अंडर ले लेगा, तो ये बड़ी सोसाइटी हो जाएगी राइट. तो ऐसी मिलिट्री कंपाउंडिंग हो रही होगी हर जगह. नाउ इसमें से एक इमर्ज करेगा और इन दोनों को इनगल्फ कर ले, एक बड़ी सोसाइटी बनेगा और ये कंपाउंडिंग क्या है बढ़ती चली जाएगी. एंड दिस इज हाउ द सोसाइटीज आर ग्रोइंग. और यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को वन अम्ब्रेला में लेके आओगे तो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटीज डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसकी हेट्रोजिनिटी भी बढ़ेगी राइट. नाउ थ्रू वॉर योर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन द सीरियल महाभारत, उसमें यही बोलते हैं एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य क्या होता है, क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है टू डिफेंड राइट. भीष्म अपने फादर शांतनु से बात कर रहे होते हैं और उनके आपस में बीच में डिबेट चल रही है और इंटरेक्शन चल रही होती है. नाउ भीष्म सेज कि द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्षत्रिय इज टू डिफेंड द टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर प्लस एक्सपेंड द टेरिटरीज राइट. तो जब आर्यव्रत की बात करते हैं this is what he was talking about. Now similarly in Magad empire it started from a very narrow territories around the region Magad right, Rajgir, Pataliputra aur ye Gaya wala jo region tha wahan se wo expand karke pura almost pan India empire ban gaya tha jab Mauryan empire hua tha. तो वो क्या है धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ को क्या है कंकर किया गया, एनेक्स किया गया और अम्पायर को बड़ा किया गया. एंड दिस इज हाउ थ्रू वॉर यू आर ब्रिंगिंग द डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन हेट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड सोसाइटी अंडर वन सिंगल सेंट्रलाइज अथॉरिटी अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला. एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी का जो मैटर है मटीरियल डेंसिटी है वो बढ़ेगी एंड दैट इज हाउ दे विल बी इवॉल्विंग. नाउ let us deal with the quote. Now, Spencer says societies evolve through compounding, that is aggregation or unifying of more and more diverse groups or societies facilitated by military conquests. Right? Therefore, war will lead, that is the military conquest will lead to annexation and expansion of the सोसाइटीज. और इसी के थ्रू वो बोलते हैं सोसाइटीज ग्रो फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंडेड टू डबली कंपाउंडेड टू ट्रेबली कंपाउंडेड सोसाइटीज राइट. सिंपल सोसाइटीज में बात बोलते हैं सिंपल सोसाइटीज में क्या है फॉर एग्जाम्पल फैमिली बेस्ड राइट, जिसमें क्या है एक स्मॉल फैमिली ही उसका सोसाइटी का पार्ट होगी, वही सोसाइटी कंस्टिट्यूट करेगी. स्टोन एज में इतनी बड़ी अर्थ थी, वहां पर क्या है सोसाइटी एज सच इवॉल्व नहीं हुई थी राइट. इनिशियली क्या है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स थे, बिल्कुल फैमिली बेस्ड ग्रुप्स थे, तो सोसाइटी इसमें नेसेंट फेज में थी. नाउ यही फैमिली थ्रू नेचुरल ग्रोथ क्या है इंक्रीज करेगी राइट. परदादाए उनके चार बेटे हुए, इन चार बेटों के फर्दर चार चार बेटे हुए राइट. दिस इज हाउ दिस फैमिली विल एक्सपेंड राइट. इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ फैमिली राइट. तो जिस ये जो एक्सपेंडेड फैमिलीज क्या है, ये क्या है जब अलग अलग ये जो फैमिलीज राइट, एक भाई की फैमिली दूसरे भाई की, इन सबको आप मर्ज करोगे, इनका जब सिग्मा करोगे, इन फैमिलीज को जब आप कंपाउंड करोगे तो यू विल गेट अ क्लैन ठीक है. तो सिंपल से जब एक बार कंपाउंडिंग करोगे राइट फ्रॉम फैमिली यू आर गेटिंग क्लैन राइट सिग्मा. और दिस इज हाउ ट्रांजिशनिंग इज टेकिंग प्लेस राइट. सो सिंस क्लैन क्या है, इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड फैमिली. तो क्लैन के क्या है, सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे दे आर किन्स, दे आर रिलेटेड थ्रू ब्लड राइट, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नाउ फर्दर आप डिफरेंट क्लैंस को राइट आप एग्रीगेट करके एक ट्राइब में कर दोगे कन्वर्ट राइट. इनका भी क्या है कंपाउंडिंग कर दोगे थ्रू वॉर राइट. एक क्लैन आया राइट, उसने दूसरे क्लैंस को भी अपने उसमें फोल्ड में ले आया और ये एक ट्राइब बना दिया राइट. सो सिग्मा ऑफ क्लैंस यू विल गेट अ ट्राइब एंड दिस इज कॉल्ड डबली कंपाउंडेड बिकॉज हेयर दिस इज हेयर कंपाउंडिंग टुक प्लेस द फर्स्ट टाइम एंड देन हाउ दिस इज हेयर द कंपाउंडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस द सेकेंड टाइम. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द डबली कंपाउंडेड सोसाइटीज ट्राइब्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल
जब दुर्खाई अरुंता ट्राइब की स्टडी करते हैं, ये ट्राइब बटा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस को अमलगमेट करके एक ओवरऑल बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंटिटी बनाई गई है, राइट। तो ये जो ट्राइब है अरुंता ट्राइब बटा हुआ डिफरेंट क्लैंस में, फॉर एग्जाम्पल एक क्लैन होगा टीक, एक होगा कोबरा, एक होगा क्रोकोडाइल, राइट। नाउ दिस क्लैन इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो ये सारे किन्समैन होंगे क्लैन में, तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। नाउ दिस कॉमन एंसेस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द क्लैन, फॉर एग्जाम्पल टीक क्लैन, तो उनका जो एंसेस्टर होगा टीक, कोबरा उनका एंसेस्टर रहा होगा कोबरा। नाउ इट डज नॉट मैटर वेदर दिस एंसेस्टर इज रियल और मिथिकल, वट मैटर्स इज द बिलीफ ऑफ द डिसेंडेंट्स दैट दे आर डिसेंडेंट, दे डिसेंडेड फ्रॉम दैट वन कॉमन एंसेस्टर, इट इज देयर बिलीफ दैट मैटर्स, एंड बिकॉज अराउंड दिस बिलीफ दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर क्लैन, दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर बिलीफ सिस्टम, दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर सोसाइटी, दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर लाइफ अराउंड दिस बिलीफ सिस्टम। सो वेदर इट इज रियल और मिथिकल इज नॉट, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, राइट। सिमिलरली वैन वी आर स्टडिंग अबाउट द सेंट्रल एशियन एम्पायर इन एंशियंट हिस्ट्री, वी सो द यूचीज और द तोकैरियन और द तोकैरियन ट्राइब्स वाई इट्स डिवाइडेड इन टू फाइव क्लैंस, एंड वन ऑफ द क्लैन वॉज कुशांस, राइट। सो यूचीज ट्राइब वॉज डिवाइडेड इन टू फाइव क्लैंस एंड वन ऑफ द क्लैन वॉज कुशांस, राइट। सो कुशांस वर यूचीज और तोकैरियंस। सिमिलरली हम पढ़ते हैं सूर्यवंशी क्लैन, चंद्रवंशी क्लैन, इसका मतलब क्या हुआ, जो सूर्य से डिसेंडेंट हुए ना, दिस इज अ मिथिकल बट दिस इज व्हाट दे बिलीव, चंद्रवंशी जो चंद्रमा से डिसेंड हुए, राइट। आप ट्राइब्स को फर्दर कंपाउंड कर दोगे तो आप यू विल गेट योर नेशन स्टेट्स, राइट। इंडियन नेशन स्टेट इज नथिंग बट अ कंपाउंडिंग ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, दैट इज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट इथनीसिटीज। इथनीसिटीज को भी ब्रोक करोगे तो आप और फर्दर कंपाउंडिंग करके लास्ट में एक फैमिली सिस्टम तक ही पहुंचोगे, और दिस इज हाउ दिस फैमिलीज, दिस सोसाइटी का इवोल्यूशन हो रहा है, सिंपल टू कंपाउंडेड टू डबली कंपाउंडेड टू डबली कंपाउंडिंग सोसाइटीज, एंड दिस कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू वॉर, थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, हाउ द एम्पायर्स आर बींग एक्सपेंडेड, राइट। तो क्लैन में क्या होगा, क्लैन सिंस दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वहां पे क्लैन में जनरली एक्सोगैमी होती है, दे डोंट मैरी अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्लैन। और ट्राइब में क्या होता है, एंडोगामी, सिर्फ एक क्लैन दूसरे क्लैन के क्या है, मैरी करेगा विद इन द ट्राइब, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइबल एंडोगैमी एंड क्लैन एक्सोगैमी। नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, एंड दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस, एज सोसाइटी इज गेटिंग मोर एंड मोर बिगर, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एंड मोर और मोर होमोजेनस, एंड होमोजेनस वाई, डिफरेंट ग्रुप्स आर अमलगमेटेड विद इन अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, राइट। नाउ जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी का, तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, वहां पर स्पेशलाइजेशन हो गई, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, वाई डू वी नीड स्पेशलाइजेशन। See a very simple illustration that I am giving here is, for example, ये सारी societies आ गई, ठीक है। Now initially society में इतने members थे, आपने compounding कर दिए, members बढ़ा दिए और members बढ़ा दिए। Now everyone is not going to practice agriculture because यहाँ पे material density, population इतनी increase कर गई है कि प्रेशर ऑन लैंड बढ़ जाएगा, राइट। प्रेशर ऑन लैंड इज गोइंग टू इंक्रीज, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो दैट विल बी नॉन प्रोडक्टिव। नाउ सम ऑफ द पीपल हेयर आर गोइंग टू शिफ्ट टू अदर ऑक्यूपेशंस, राइट, दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू अदर ऑक्यूपेशंस। जितना ज्यादा वो क्या है, अपना एक नीश क्रिएट कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से जितना ज्यादा शिफ्ट कर जाएंगे अलग अलग ऑक्यूपेशन में, इसका मतलब ये है, वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन इट इज एंगेज इन एग्रीकल्चर इट इज प्रोड्यूसिंग सीरियल्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ अदर्स, अदर पीपल हु आर एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशंस दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, राइट, दे आर हैविंग स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइजेशन इन दैट फील्ड। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या है, नीश क्रिएट होता जाएगा, उतना ज़्यादा छोटा छोटा नीश क्रिएट होता जाएगा, राइट। जितना छोटा नीश क्रिएट होगा, ये क्या, आपको कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, कंपटीशन कम करने के लिए, क्योंकि सारे सारे एग्रीकल्चर में हो जाते हैं, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ जाता, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता, तो सोसाइटी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती, और इसीलिए आपको नीश की ज़रूरत होती है, राइट। तो जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होंगी उतनी नीश और भी नैरो होते जाएंगे, राइट। फिजिसिस्ट में भी वेरियस नीश आ जाएंगे, राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिसिस्ट विल बी देयर, क्लाइमेटोलॉजिस्ट विल बी देयर,
राइट, केमिस्ट्री में भी डिफरेंट टाइप्स, देन नैनो टेक्नोलॉजी, सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करेगा। तो क्या है, आप एक नीश को जितना छोटा करते जा रहे हो, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, नीश को जितना कम करते जा रहे हो, मतलब फंक्शनल उसका जो रोल है, डोमेन, उसको कम करते जा रहे हो, तो वहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशल टैलेंट है, राइट। एंड पीपल नीड दीज स्किल्स, अदर पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग दोज ऑक्यूपेशंस नीड दीज स्किल्स, और यहाँ से क्या है, डिफरेंट जो पीपल हैं उनके बीच में क्या है, एक्सचेंज बढ़ेगा, राइट, कॉम्प्लीमेंटेरिटी बढ़ेगी, बिकॉज वन इज प्रोड्यूसिंग द थिंग विच अदर इज नॉट प्रोड्यूसिंग, एंड दिस इज हाउ कॉम्प्लीमेंटरी और इंटरडिपेंडेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो जितनी ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा उतनी ज्यादा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस यहां पर इंक्रीज कर रही है, राइट, एक्सचेंज बढ़ रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको रिलेट कर सकते हो बायोलॉजी से, एनवायरमेंट से। सी, अगर आपने पढ़ाओ, ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे स्पीसी डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट 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 टाइप्स की पॉपुलेशन होगी, राइट। इतनी स्पीसी डाइवर्सिटी है कि वहां पे नीश स्पेशलाइजेशन होता है कंपटीशन कम करने के लिए। आप जैसे जैसे ट्रॉपिकल रीजन से दूर जाओगे, राइट, क्लाइमेटिक ये मिड एल्टीट्यूड और टेम्परेट रीजन में जाओगे, तो आप देखोगे कि जो रेंज ऑफ एनिमल्स है ना, रेंज वो बढ़ जाती है, लार्ज नीश हो जाता है, राइट, क्योंकि वहां पे स्पीसी डाइवर्सिटी कम हो जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है, तो वो एक्सपेंड कर जाती है, उनकी नीश एक्सपेंड कर जाती है, राइट। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन को कम करना है, तो नीश स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, एंड दैट इज़ हाउ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इज हैपनिंग। और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हर एक सेगमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा, उतनी ही आपकी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की, राइट।